रहीम, व्हाट इज़ अ रेस्ट एंड मोशन इन फिजिक्स? रेस्ट और मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं फिजिक्स में? सो रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में कब होगी, जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो उसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। इस तरह एक बॉडी मोशन में तब होगी जब वो अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या एनवायरनमेंट, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अब हम पोजीशन किसे कहते हैं बॉडी का? तो पोजीशन ऑफ ए बॉडी, हम पोजीशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। लेट्स सपोज ये क्या है, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, लेट्स सपोज वो है ये बोर्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्कर का पोजीशन, के विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मार्कर का पोजीशन ये है। तो पोजीशन का डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं, ठीक है। सो रेस्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे के एक बॉडी रेस्ट में कब होगी, जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। लेट्स सपोज इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये क्या है मार्कर और ये इसका क्या है, ये इसका पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड क्या है, बोर्ड इस मार्कर के सराउंडिंग में आते हैं या इसके एनवायरमेंट, मतलब इर्द गिर्द जो बॉडी से इसके मुताबिक ये मार्कर क्या कर रही है, ये अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये मार्कर रेस्ट में है। ये मार्कर किस में है, रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, क्योंकि ये अपने जो सराउंडिंग बॉडीज है इसके मुताबिक ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि मार्कर रेस्ट में है। इसी तरह को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, किस तरह, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस मार्कर को, अभी मार्कर क्या कर रही है, ये मार्कर कर रही है अपना पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग इसके क्या है, सराउंडिंग इसके है जो बोर्ड है ये, तो इस बोर्ड के मुताबिक ये क्या कर रही है, अपना पोजीशन चेंज कर रही है, इसलिए इस मार्कर को हम क्या कहते हैं कि ये मार्कर अब क्या है, मोशन में है। तो मोशन का डिफिनेशन समझ गए कि जब एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में, ठीक है। तो रेस्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, सॉरी टू बी इन अ रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट यू सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट का डिफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है, जिस तरह मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया। पोजीशन का भी मैंने आपको डिफिनेशन बताया कि द लोकेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। इसी तरह जो हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो इस तरह डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन, ठीक है, इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग। समझ गए, इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, ठीक है, ये पोजिशन चेंज करिए, इट्स कॉल्ड मोशन, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। सो मोशन का डिफिनेशन किस तरह हुआ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। सो मोशन का मतलब क्या है कि एक बॉडी कब मोशन में होगी, जब वो अपना पोजीशन किसे कहते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंड, सॉरी रेफरेंस पॉइंट, जब वो अपने
पोजीशन चेंज कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी क्या है मोशन में। फॉर एग्जांपल जो गाड़ियाँ जा रही है, ठीक है, गाड़ी के इर्द गिर्द जो बॉडी है, लेट्स सपोज अगर कोई शख्स खड़ा है तो ये क्या है, ये इसके सराउंडिंग में आता है। अब इस शख्स के मुताबिक गाड़ी क्या कर रही है, अपने पोजीशन चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। मोशन